With people adopting conscious lifestyle and change in habits of the patients, along with the professional requirement of the patient, demand for breast enhancement is increasing. बहुत सारे हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो हमसे ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के बारे में बहुत सारी अपने मन में दुविधा या डाउट्स लेकर आते हैं. सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर दीक्षा दीक्षित. आई एम अ कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन, को फाउंडर ऑफ दी एस्काल्पी क्लिनिक एट GK1. एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल सच डाउट्स विच पेशेंट फ्रीक्वेंटली आस्क. आज ऐसे 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे एंड होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, अगर आप ब्रेस्ट एनहांसमेंट या ऑगमेंटेशन विद इम्प्लांट्स कंसिडर कर रहे हैं तो आपकी मोस्ट ऑफ द डाउट्स क्लियर हो चुके हैं. स्टार्ट करते हैं पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से जो पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि एम आई एट द राइट एज फॉर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन. क्या मेरी एज प्रॉपर है फॉर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन? यूजली पेशेंट्स जो 30s में होते हैं, जिन्होंने अपनी फैमिली कंप्लीट कर ली होती है, दे यूजली ऑप्ट फॉर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन बाय इम्प्लांट्स. बट ये 40s और 50s में जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनमें भी ब्रेस्ट इम्प्लांट के रिजल्ट्स बहुत अच्छे पाए गए हैं. ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के कैंडिडेट्स आप राइट हैं कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपका ब्रेस्ट का साइज़ कैसा है, वॉल्यूम कैसा है, आपकी ब्रेस्ट की स्किन क्वालिटी या थिकनेस कैसी है, आपके ब्रेस्ट की टाइप कैसी है, कितनी सैगिनेस है और कितनी वॉल्यूम है उसमें, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज. सो ब्रेस्ट एनहांसमेंट अगर आप कंसिडर कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स यू नीड टू डिस्कस, हैव एन इवेल्यूएशन विद योर क्लिनिशियन और योर एक्सपर्ट टू डिसाइड वेदर इम्प्लांट्स आर बेस्ट सूटेड फॉर यू और नॉट. सेकेंड क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि वॉट इज़ द न्यू साइज आई शुड ऑप्ट फॉर, या मेरी बॉडी पे कौन सा एनहांस ब्रेस्ट का साइज मेरा बेस्ट रहेगा. इन जनरली व्हेन पेशेंट्स कम टू अस, तो हम उनके बॉडी टाइप को देख करके, उनकी ब्रेस्ट की मेजरमेंट्स, उनके चेस्ट मेजरमेंट्स को देख करके ये एक असेसमेंट लगाते हैं कि आप पे कितना एनहांसमेंट सूट करेगा. यूजली विद एवरी 125 टू 150 cc ऑफ अ ब्रेस्ट इम्प्लांट साइज देर इज़ एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ 1 cup. ये जनरली देखा गया है, बट हर पेशेंट का बॉडी साइज, ब्रेस्ट मेजरमेंट्स, ब्रेस्ट का टाइप अलग अलग होता है. सो ये एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाना कि किस पे कितना एनहांसमेंट होगा इज नॉट प्री ऑपरेटिवली पॉसिबल. हाउएवर आपको अपने क्लिनिशियन के साथ, अपने एक्सपर्ट के साथ ये बैठ करके डिस्कस करना चाहिए कि आपका व्हाट डिजायर्ड रिजल्ट्स यू वांट और व्हाट क्लिनिशियन कैन गिव टू यू. थर्ड क्वेश्चन जो हमसे लोग कॉमनली पूछते हैं कि शुड आई कंप्लीट माय फैमिली बिफोर गोइंग फॉर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन. क्या मुझे अपनी फैमिली को कंप्लीट कर लेना चाहिए ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कराने से पहले? तो प्रेगनेंसी एक ऐसी स्टेट है जिसमें आपका ब्रेस्ट का साइज, आपके ब्रेस्ट का वॉल्यूम हमेशा चेंज होता है, इररिस्पेक्टिव कि आपने इम्प्लांट्स डाले हैं या नहीं. हाउएवर अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप अपनी सर्जरी और प्रेगनेंसी के बीच में एटलीस्ट 6 months का गैप रखें फॉर कंप्लीट हीलिंग एंड फॉर द ब्रेस्ट इम्प्लांट टू टेक प्रॉपर शेप ऑफ योर ब्रेस्ट. फोर्थ क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि कैन आई ब्रेस्ट फीड आफ्टर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन विद इम्प्लांट्स. सो येस, जो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन हम इम्प्लांट्स के द्वारा करते हैं वो उनका पॉकेट जो होता है बिलो ब्रेस्ट टिश्यू होता है या बिलो द मसल्स ऑफ ब्रेस्ट होता है. सो दे डू नॉट डिस्टॉर्ट योर अनाटमी ऑफ ब्रेस्ट. आपके जो ब्रेस्ट ग्लैंड्स हैं उनमें कहीं भी कोई भी अंतर नहीं आता. सो यू कैन ऑलवेज ब्रेस्ट फीड आफ्टर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन. हाउएवर आप अपने एक्सपर्ट से ये डिस्कस करें कि आपका इंसीजन साइट या जहाँ से हम इम्प्लांट इंसर्ट कर रहे हैं वो क्या है. यूजली अगर ब्रेस्ट क्रीज में या आपके आर्मपिट में इंसीजन दिया जाता है, दैट विल नॉट हैम्पर योर ब्रेस्ट ग्लैंड्स. बट इफ़ यू आर कंसिडरिंग अ पेरी एरियोलर या आप निप्पल एरियोला के अराउंड अपना इंसीजन कंसिडर कर रहे हैं, तो निप्पल सेंसेशन का और ब्रेस्ट ग्लैंड के ऊपर उसका कितना असर होगा, प्लीज़ डू डिस्कस इट विद योर प्लास्टिक सर्जन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली हमसे लोग पूछते हैं कि आई हैव सैगी ब्रेस्ट, विल ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन अलोन वर्क इन सैगी ब्रेस्ट या जो ब्रेस्ट बहुत लैक्स है? येस, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन विद इम्प्लांट्स वर्क इन सैगी ब्रेस्ट, बट कितना आपके ब्रेस्ट का सैगीनेस है उस पर ये डिपेंड करता है. अगर आपकी जो निपल का
पोजिशन है वो आपके एल्बो क्रीज से बिलो है या आपके ब्रेस्ट क्रीज से बिलो है, देन इट इज़ एडवाइजेबल कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन इम्प्लांट्स के साथ साथ आप एक ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी भी कंसिडर करें, जिसको मैस्टोपेक्सी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे पेशेंट्स पूछते हैं कि व्हेन कैन आई रिज्यूम वर्क आफ्टर माय ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी। यूजली ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के बाद हम पेशेंट को इमीडिएटली वॉक करने को कहते हैं। दे कैन डू दे नॉर्मल वर्क अकॉर्डिंग टू देयर कंफर्ट, बट इफ़ देयर वर्क इन्वॉल्व्स हैवी फिजिकल एक्सरसाइजेज यूजिंग योर अपर बॉडी, देन दैट वर्क हैज़ टू बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर एटलीस्ट 6 weeks। अगर आपका वर्क आपके अपर बॉडी और शोल्डर और आर्म्स को ज़्यादा यूटिलाइज करता है, देन इट इज़ एडवाइजेबल कि आप 1 से 2 हफ्ते का रेस्ट लें फॉर दैट वर्क, अदरवाइज आप अपना नॉर्मल कोर रिज्यूम कर सकते हैं फ्रॉम द नेक्स्ट डे। देन क्वेश्चन आता है कि व्हेन कैन आई स्टार्ट माई एक्सरसाइज। पीपल जो कि बहुत फिजिकली एक्टिव होते हैं, हु आर इनटू लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस, आर यूजली द कैंडिडेट्स जो हमारे पास ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए आते हैं, बिकॉज दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट द वे दे लुक। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू नो बिफोर हैंड कि वो अपना नॉर्मल एक्सरसाइज का रूटीन कब स्टार्ट कर सकते हैं। एज आई सेड बिफोर, नॉर्मली आप एक्सरसाइज जो अपनी नॉर्मल वॉकिंग है वो अपनी नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर सकते हैं, नॉर्मल रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं। बट इफ़ यू हैव टू डू जॉगिंग और विग्रस स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस, दैट हैज़ टू बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर 3 weeks एंड बियॉन्ड, एंड उनको भी आपने ग्रेजुअल मैनर में अंडर द सुपरविजन ऑफ योर एक्सपर्ट स्टार्ट करना है। एनी काइंड ऑफ स्ट्रेनस एक्सरसाइज और जॉगिंग अगर आप हीलिंग फेज में कर रहे हैं, दैट इज़ विद इन 3 weeks कर रहे हैं, तो देर आर चांसेस कि आपका इम्प्लांट बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ योर मसल्स एंड योर चेस्ट मसल्स डिस्प्लेस हो जाए, एंड दिस मे लीड टू डिस्टॉर्शन ऑफ योर ब्रेस्ट। सो दैट इज़ वाई इट इज़ एडवाइजेबल यू स्टार्ट एनी एक्सरसाइज बियॉन्ड 3 weeks अंडर द सुपरविजन ऑफ योर एक्सपर्ट। देन बहुत लोग पूछते हैं हमसे कि क्या मेरी निप्पल सेंसेशन में कोई ऑल्टरेशन आएगा, विल द सेंसेशन ऑफ माई निप्पल ऑल्टर बिकॉज ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ नर्व्स। आप में एक फॉरन मटीरियल डाला गया है तो स्ट्रेचिंग होती है अंडरलाइन नर्व्स की, ओवरलाइन नर्व्स की, तो येस यू माइट फील सम नमनेस इन द निपल एरियोला एरिया फॉर सम टाइम, बट इन मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स ये रिकवर कर जाता है इन फ्यू मंथ्स। बट इट इज़ सीन इन 10-15% ऑफ द केसेस की ऑल्टरेशन इन सेंसेशन ऑफ निपल्स मे लास्ट। देन कम्स अ क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग विल माई ब्रेस्ट इम्प्लांट्स बिकॉज दे आर फॉरन मटीरियल लास्ट। Usually life of a breast implant is around 10-15 years, but if you experience any kind of contracture, displacement or rupture of the implant, you may have to get the implants removed then, but usually a lifespan is around 10-15 years. During this period you have to watch for all these symptoms and be in regular contact with your expert to know any kind of changes that are happening in your breast. Last and the most important question which people ask is, can breast implant lead to breast cancer? Breast cancer is a separate entity. It has been observed ki breast cancer per se uska incidence implant se related nahi hai. Whether you end up having a breast cancer, the incidence is same vis-a-vis you are having implants. So implants per se does not increase the risk of breast cancer. Aajkal it has been observed in various studies and in very few patients that there has been an incidence of ALCL. This is anaplastic last cell lymphoma, जो कि इम्यून सिस्टम का एक कैंसर होता है जो कि यूजुअली लिम्फ नोड्स में पाया जाता है। ये रेयर केसेस में देखा गया है कि कुछ पेशेंट्स में दिस हैज बीन एसोसिएटेड इन पेशेंट्स जिनमें इम्प्लांट्स डले थे, बट ये जो ट्यूमर है या कैंसर है, दिस हैज़ नॉट बीन सीन टू बी फाउंड इन ब्रेस्ट टिश्यू पर से। ये जो स्कार टिश्यू होता है अराउंड ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, उसमें पाया गया है। तो येस, देर आर चांसेस ऑफ ALCL विच इज़ बीन ऑब्जर्व, बट दे आर नॉट ब्रेस्ट कैंसर्स पर से। So these are the most frequently asked questions, top 10 questions जो हमसे पूछे जाते थे। अगर आपके पास और questions हैं related to breast augmentation with implants or any other queries जो आप breast augmentation के बारे में हमसे पूछना चाहते हैं, you can always write to us, you can follow us on our YouTube channel by the name of DS Kalpir, हमारे Instagram handle और Facebook पे भी आप हमें follow कर सकते हैं by the name of DS Kalpir, we will be very happy to help you.